नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक। जो टॉपिक है हिस्टेरेसिस, रेंडिविटी एंड कोरिसिटिविटी। कहने का वाला आज हम आपको बताएंगे शैथिलता, धारणशीलता, निग्राह्यता क्या है। हम लोहे चुंबकीय पदार्थ का अध्ययन कर रहे थे। इससे पिछले वाली क्लासेस में हमने लोहे चुंबकीय पदार्थ का डिटेल से बताया, जो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप उन्हें जरूर देखिए। हम जानेंगे आज जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का आईएच कर्व के माध्यम से क्या जानेंगे, हिस्टेरेसिस। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो बीएससी थर्ड ईयर में 2013-14 में लॉन्ग आंसर और कंपटीशन लेवल में किस प्रकार से पूछा जाता वो भी आपको बताएंगे। तो हम चलते हैं, हिस्टेरेसिस क्या है, शैथिलता। ठीक, शैथिलता के बारे में पढ़ेंगे। अगर शैथिलता के बारे में पढ़ेंगे तो हम लोह चुंबकीय पदार्थों के जो गुण होते हैं उनका भी अध्ययन करेंगे, रेडियोएक्टिविटी एंड कोरोसिविटी तो क्या होती है। सबसे पहले हमने लोह चुंबकीय पदार्थ का अध्ययन कर रहे हैं। तो लोह चुंबकीय पदार्थ जो होता है क्या, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। एक लोह चुंबकीय पदार्थ की बहुत अच्छी प्रवृत्ति है। लोह चुंबकीय पदार्थ में होता यह है कि इसमें ना तो जो चुंबकन हम कह सकते हैं, इसमें ना तो जो चुंबकन तीव्रता होती है ना तो वो किसके चुंबकन क्षेत्र के समानुपाती होती है, और ना तो वो चुंबकीय क्षेत्र चुंबकन क्षेत्र के समानुपाती होता। मतलब एक क्या नहीं होते हैं, लोह चुंबकीय पदार्थ में लागू नहीं होते हैं। ठीक, लोह चुंबकीय पदार्थ में I प्रोपोर्शनल H, B प्रोपोर्शनल H, जे लोह चुंबकीय पदार्थ में लागू नहीं होते। मतलब लोह चुंब जी H का मतलब होता है चुंबकन क्षेत्र। क्या होता है, हम सैंपल के बता दे रहे हैं। H का मतलब है चुंबकन क्षेत्र और B का मतलब है चुंबकीय क्षेत्र और I का मतलब है चुंबकन तीव्रता। ठीक, तो लोह चुंबकीय पदार्थ में चुंबकन तीव्रता चुंबकन क्षेत्र के समानुपाती नहीं होती, ना तो चुंबकीय क्षेत्र चुंबकन क्षेत्र के समानुपाती होती। कहने का मतलब चुंबकीय क्षेत्र में अगर हम चुंबकन क्षेत्र का मान बढ़ाएं तो जो हमारी चुंबकन तीव्रता है और चुंबकीय क्षेत्र है, मतलब इसके बदलते रहते हैं। क्या बदलते रहते हैं, और हम अगर हम अनचुंबकीय की बात करें तो अनचुंबकीय में चाहे हम चुंबकन क्षेत्र का मान जितना बढ़ लें तो आई और बी का मान कैसा रहता है, नियत रहता है। कैसा रहता है, नियत रहता है। अगर हम कोई हमारा लौह चुंबकीय पदार्थ है, क्या लौह चुंबकीय पदार्थ है, हम कोई हम अचुंबकित लौह चुंबकीय पदार्थ लें, उसे हम क्या करना है, चुंबकित करना है, तो हम किस में रखना पड़ेगा, चुंबकन क्षेत्र में। जब हम अचुंबकित लौह चुंबकीय पदार्थ को किस में रखते हैं, चुंबकन क्षेत्र में रखते हैं। किस में रखते हैं, एक हमने क्या ले लिया, अचुंबकित लौह चुंबकीय पदार्थ ले लिया, उसको हम किस में रख रहे हैं, चुंबकन क्षेत्र में रख रहे हैं। ठीक, जब हम इधर इस ग्राफ इस आपको शैथिलता को ग्राफ से ही समझना है। किससे, हम इस शैथिलता को आप पूरा ग्राफ से समझाएंगे। आपको बिल्कुल 100% दावा करता हूं कि आप ग्राफ के माध्यम से शैथिलता को समझ जाएंगे, आपको थ्योरी याद करने की कोई जरूरत नहीं है। हम एक अचुंबकीय लोह चुंबकीय पदार्थ को चुंबकन क्षेत्र में रखते हैं। इधर आप देखेंगे जी, जो एक्स अक्ष है जो हमारी चुंबकन क्षेत्र की दिशा है, जो वाई अक्ष है जी आई चुंबकन तीव्रता की दिशा है। तो देखेंगे जी, हम जैसे जैसे इस डायरेक्शन में क्या बढ़ेगा, चुंबकन क्षेत्र बढ़ेगा, तो इस डायरेक्शन में क्या बढ़ेगा, चुंबकन तीव्रता बढ़ेगी। ठीक, हम जैसे जैसे चुंबकन क्षेत्र का मान बढ़ाएंगे तो किसका मान बढ़ेगा, चुंबकन तीव्रता का मान बढ़ेगा। लेकिन कैसा नहीं बढ़ेगा, रैखिक नहीं बढ़ेगा। रैखिक का मतलब जी होता है कि आप जैसे जैसे एच का मान बढ़ाएंगे आई का मान बढ़ेगा, मतलब एक सीधी रेखा प्राप्त नहीं होगी, एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त नहीं होगी। क्यों, क्योंकि एच का एक अधिकतम मान के लिए इस आई का मान नियत हो जाता है, मतलब सेचुरेटेड हो जाता है, संतृप्त हो जाता है, इसलिए थोड़ा कर्व प्राप्त होता है। ठीक, तो इस आप ग्राफ से ही देखेंगे, जैसे जैसे हम एच का मान बढ़ाते हैं तो आई का मान बढ़ता है, लेकिन रैखिक नहीं होता। अभी आपको बताया ना, लेकिन कर्व की टाइप जो प्राप्त होता है वो क्या होता, ओ ए वक्र प्राप्त होता। क्या, ओ ए, आपको थोड़ा सा कर्व सा दिख रहा है ना, इस प्रकार से जैसे
जैसे जैसे हम एच का मान बढ़ाते तो आई का मान बढ़ता, लेकिन कर्व रेखक नहीं होता, मतलब कर्व का आकार का होता है। और एच के अधिकतम मान के लिए इस आई का मान, आई का मतलब हम लिख दे रहे हैं, सैंपल बार बार नहीं बताएंगे, इस आई का मतलब है चुंबकन तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, एच का मतलब है चुंबकन क्षेत्र, मैग्नेटाइजिंग फील्ड, ठीक। तो एच के अधिकतम मान के लिए इस आई का मान कैसा हो जाता है, सैचुरेटेड, तो क्या कौन सा वक्र प्राप्त होता, ओए वक्र प्राप्त होता, ठीक। अगर हम उस पदार्थ की क्या कहते हैं चुंबकन क्षेत्र को कम कर दें, क्या चुंबकन क्षेत्र को कम कर दें, ठीक है, अगर चुंबकन क्षेत्र को कम कर देंगे तो जो कर्व आई एच वक्र होगा, आई एच वक्र किसका अनुसरण करेगा, किस मार्ग का, एवी मार्ग का अनुसरण करेगा, किसका, एवी मार्ग पर। अगर हम चुंबकन क्षेत्र को घटा रहे, क्या कर रहे, अगर हम चुंबकन क्षेत्र को घटा रहे तो किसका अनुसरण फॉलो करेगा, एवी मार्ग का, एवी मार्ग पर हम बिंदु बी देख रहे, क्या देख रहे, बिंदु बी देख रहे, इस बिंदु पर आप बी पर देख रहे, हम अगर बिंदु बी की बात करें किस वक्र में, एवी वक्र में, बहुत सरल है शैथिल्यता, आप बस देखते जाइए, एवी वक्र की बात करें, अगर हमने चुंबकन क्षेत्र को मान घटाया था, जो आई एच कर्व है वो कर्व है, वो किसका, किस मार्ग का फॉलो हुआ था, एवी मार्ग का, एवी मार्ग का फॉलो करेगा, तो आप एवी मार्ग में क्या, कौन सा बिंदु देख रहे, बी बिंदु पर, हम बी बिंदु पर जी देख रहे, इस बी बिंदु पर आई का मान तो कुछ शेष है, लेकिन एच का मान कैसा, शून्य, सीधा सा है कि वाई अक्ष में जो निर्देशांक होते हैं, एक्स अक्ष का जीरो होता है, वाई अक्ष की कुछ वैल्यू होती है, ठीक, हमने बी मान लिया सपोर्ट, ठीक, वही कहने का मतलब, जो एक्स अक्ष में हमने एच माना है तो एच की वैल्यू शून्य है, वाई अक्ष में आई माना तो आई की वैल्यू कुछ है, इससे जी है, हम बिंदु बी पर क्या देख रहे हैं, जीरो कॉमा आई, ठीक, जी किसका मान है, एच का मान है, और जी किसका मान है, आई का मान है, तो बिंदु बी पर चुंबकन क्षेत्र का मान शून्य है, लेकिन चुंबकन तीव्रता का मान कुछ है, हम कुछ के लिए क्या दे दें, एक्स दे दें, कुछ शेष है, किसमें शेष होगी, पदार्थ में शेष होगी, तो बिंदु बी पर चुंबकन तीव्रता का जो मान शेष रहता है वो मान क्या शेष रहता है, हम उस क्या क्या है, ओवी, क्या है, ओवी, जो पदार्थ में चुंबकन तीव्रता शेष बचती हो क्या, वो भी है, जो पदार्थ में शेष चुंबकन तीव्रता बचती है उसे हम क्या कहते हैं, पदार्थ का अवशिष्ट चुंबकत्व, क्या बोलते हैं, पदार्थ का अवशिष्ट चुंबकत्व, रेसिडुअल मैग्नेटिज्म चुंबकत्व। बिंदु बी पर चुंबकन तीव्रता का मान कुछ शेष रह जाता है, लेकिन चुंबकन क्षेत्र का मान शून्य होता है, पदार्थ की उस शेष चुंबकन तीव्रता को पदार्थ का क्या कहते हैं, अवशेष चुंबकत्व, तथा पदार्थ के उस गुण को हम क्या कहते हैं, रिटेंटिविटी, क्या बोलते हैं, रिटेंटिविटी, तथा पदार्थ के इस गुण को, पदार्थ के इस गुण को हम क्या बोलते हैं, रिटेंटिविटी, धारणशीलता, ठीक, समझ में आ गया ना, मतलब बिंदु बी पर एच का मान शून्य है, मतलब चुंबकन क्षेत्र का मान शून्य, लेकिन चुंबकन तीव्रता का मान कुछ है, उसी को हम पदार्थ का क्या कहते हैं, अवशिष्ट चुंबकत्व, ठीक, मतलब चुंबकन तीव्रता के बची हुई मान को अवशिष्ट चुंबकत्व, तथा पदार्थ के गुण को रिटेंटिविटी, धारणशीलता कहते हैं। यदि हम, समझ में आ गया ना, यदि हम क्या करें, चुंबकन क्षेत्र को अब क्या करें, विपरीत दिशा में बढ़ाएं, ठीक, पहले थी धनात्मक एक्स अक्ष, अब जी क्या है, ऋणात्मक एक्स अक्ष, यदि चुंबकन क्षेत्र को विपरीत दिशा में क्या किया जाए, बढ़ाया जाए, तो कर्व किसका फॉलो करेगा, बीसी मार्ग का, किसका, बीसी मार्ग का फॉलो करेगा, ठीक, तो हम बीसी मार्ग में देखें तो आई एच वक्र किसका फॉलो करेगा, बी एच मार्ग का, हम बी एच मार्ग में देखें तो बिंदु सी का, अगर हम बिंदु सी पर देखें, अब हम बिंदु सी का मतलब ये है कि हम इस बिंदु सी पर आई और एच का मान निकाल रहे हैं, हर बिंदु पर हमें आई एच का मान निकालना है,
अगर आप हर बिंदु में आईएच का मान निकाल लोगे तो आप इसको शैथिलता को आसानी से सीख जाएंगे। इस बिंदु हम सी पर देखें, हम एक्स अक्ष का निर्देशांक निकाल रहे, क्या निकाल रहे, एक्स अक्ष का निर्देशांक। तो एक्स अक्ष का निर्देशांक निकालेंगे तो एक्स अक्ष का कुछ मान होगा, वाई अक्ष का मान जीरो होगा, मतलब एच का मान तो कुछ है और वाई अक्ष का मान जीरो, मतलब जी एक्स अक्ष का मान है, जे किस का मान है, आई का मान। तो बिंदु सी पर क्या है, बिंदु सी पर एच का मान तो कुछ है लेकिन आई का मान शून्य है, कहने मतलब बिंदु सी पर चुंबकन क्षेत्र का मान कुछ है लेकिन चुंबकन तीव्रता का मान कैसा है, शून्य है। जब चुंबकन तीव्रता का मान शून्य है, पदार्थ किसी गुण को हम क्या बोलते थे, अवशिष्ट चुंबकत्व, क्या अवशिष्ट चुंबकत्व, जो हमारा ओ भी प्राप्त हुआ था उसे हम क्या कहते थे, अवशिष्ट चुंबकत्व। जो ओसी है हमारा क्या प्राप्त हो रहा, ओसी, ये हमारा मूल बिंदु है वो, ठीक। अब जो हमारा ओसी प्राप्त हो रहा, ये ओसी है क्या। अब हमें पदार्थ के अवशिष्ट चुंबकत्व को समाप्त करने के लिए हमें विपरीत प्रकार का क्षेत्र लगाना पड़ेगा, मतलब हमें विचुंबकन करना पड़ेगा पदार्थ का, क्या करना पड़ेगा, विचुंबकन। अगर विचुंबकन पदार्थ का करना है, मतलब पदार्थ का अवशिष्ट चुंबकत्व समाप्त करना है, तो हमें एक क्षेत्र लगाना पड़ता है, बल क्षेत्र, जिसे हम क्या बोलते हैं, निग्रह बल क्षेत्र, क्या बोलते हैं, निग्रह बल से, निग्रह बल क्षेत्र, जिसे हम इंग्लिश में बोले तो कोर्सिव फोर्स फील्ड, ठीक। और पदार्थ की इस गुण को क्या कहते हैं, पदार्थ के इस गुण को, पदार्थ के इस गुण को निग्राहिता, कोरिसिविटी, ठीक, निग्राहिता कहते हैं। आप हर बिंदु का मान निकाल दी जाए, आपको शैथिलता आसानी से बन जाएगी, ठीक। हमने निग्राहिता जानी और धारणशीलता भी जानी। जी ओसी क्या है, हमारा निग्रह बल क्षेत्र, ओ भी क्या है, अवशिष्ट चुंबकत्व, ठीक जी। ओसी मतलब इसे हम अवशिष्ट चुंबकत्व को समाप्त करने के लिए ओसी है उसकी दिशा के विपरीत हम एक क्या लगाना पड़ेगा, चुंबकत्व को समाप्त करने के लिए विपरीत प्रकार का क्षेत्र लगाया जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, निग्रह बल क्षेत्र बोलते हैं, ठीक। हमने जाना कौन सा बल, हमने बीसी जाना, हमने ऊपर लिख दे रहे, हमने एबी के लिए जाना, एबी में कौन सा बिंदु निकाला, बी बिंदु, और बीसी में कौन सा बिंदु निकाला, सी बिंदु। अब हम उसी को आगे और बढ़ाएं, मतलब हम चुंबकन क्षेत्र का मान और बढ़ाएं, तो किसका फॉलो करेगा, जो आई एच कर्व है वो सी डी मार्ग का अनुसरण करेगा, किस मार्ग का, सी डी मार्ग का। सी डी मार्ग में हम किस बिंदु पर निकाले, डी बिंदु पर, बी पर निकालिए, सी पर निकालिए, डी पर। अगर हम डी पर चर्चा करें, हम डी पर, आप ये देख रहे कि बिंदु डी पर हमें हर बिंदु पर आई एच का मान निकालना है, तो आप बिंदु डी पर ये देख रहे कि एच का मान भी मैक्सिमम है और आई का मान भी कैसा है, सैचुरेटेड है। माइनस का मतलब ये नहीं कि माइनस केवल ये व्यक्त कर रहा दिशा को, जी ऋणात्मक है, ऋणात्मक वाई, ऋणात्मक एक्स, इसको व्यक्त कर रहा। कहने का मतलब जब हम चुंबकन तीव्रता को, चुंबकन क्षेत्र को और बढ़ाते हैं, मतलब आई एच कर्व सी डी मार्ग का अनुसरण करेगा, तो बिंदु हम सी पर देखें तो जो चुंबकन क्षेत्र का मान होगा वो अधिकतम हो जाता, कैसा हो जाता है, अधिकतम, जी एच का मान कैसा हो जाता, अधिकतम। और बिंदु डी पर जब एच का मान अधिकतम हो जाता है तो चुंबकन तीव्रता का मान कैसा हो जाता है, सैचुरेटेड, मतलब संतृप्त हो जाता है। जब पदार्थ में हम चुंबकन क्षेत्र का मान इतना ज्यादा बढ़ा देते हैं कि चुंबकन तीव्रता संतृप्त हो जाती है, तो पदार्थ कैसा हो जाता है, चुंबकित हो जाता है, मतलब पदार्थ में चुंबकित होने का गुण आ जाता है, ठीक। हम और चले आएंगे, यदि हम अब पहले हम विपरीत दिशा में चले, जब उसी दिशा में चले, ठीक, उसी दिशा में चले, मतलब किसमें, धनात्मक उसकी ओर। यदि हम उसी दिशा में चुंबकन क्षेत्र का मान बढ़ाएं तो अब आई एच कर्व किसका फॉलो करेगा, डीई मार्ग का, किसका, डीई मार्ग का। हम डीई मार्ग में किस बिंदु पर निकाले, ई बिंदु पर, हमेशा हर बिंदु पर ई एच का मान निकालो। अब हम इसकी इधर इसलिए चर्चा कर दी, अगर हम बिंदु ई पर देखें, क्या बिंदु ई पर हमारा किसका मान शून्य है, चुंबकन क्षेत्र का मान तो शून्य है लेकिन हमारा चुंबकन तीव्रता का मान कुछ है, क्या है, ठीक। हमारे इस बिंदु ई पर चुंबकन तीव्रता का मान क्या है, ओई, क्या है, एक्स का मान,
एक्स का मान ओई है, क्या है ओई है, जो ओवी ना ओई के मान बराबर होते हैं, क्या ओवी ना ओई के मान बराबर होते हैं। हमने आपको ओवी को क्या बताया था, ओवी को हम अवशिष्ट चुंबकत्व कहते थे, रेसिडुअल मैग्नेटिज्म। इसी प्रकार ओई को भी हम क्या बोलते हैं, अवशिष्ट चुंबकत्व, क्या बोलते हैं अवशिष्ट चुंबकत्व। ठीक, हम बिंदु ई पर किसका चुंबकन क्षेत्र का मान शून्य होगा, लेकिन चुंबकन तीव्रता का मान कुछ होगा, वो क्या होगा ओई। ओई किसके बराबर होता, ओबी की। अगर ओबी को क्या बोलते थे हम, अवशिष्ट चुंबकत्व, तो ओई क्या है अवशिष्ट चुंबकत्व। पदार्थ के गुण को हम क्या बोलते थे, रिटेंटिविटी, धारणशीलता। हमने जे पढ़ा, अब हम कौन सा, यदि चुंबकन क्षेत्र का मान और बढ़ाएं तो किसका फॉलो करेगा, ईएफ का, किस मार्ग का, ईएफ मार्ग का। हम ईएफ मार्ग में एफ पर देखें, एफ पर अगर इस एफ के मान निकालें तो एच का मान कुछ प्राप्त होगा, मतलब एक्स प्राप्त होगा और आई का मान जीरो, क्यों, क्योंकि एक्स अक्ष में निर्देशांक, वाई अक्ष कितना होता है जीरो। इस एक्स का मान कितना है ओएफ, कितना है ओएफ, कितना है ओएफ, इसका मान ओएफ है, इसका मान जीरो। ओएफ मार्ग किसका मान है, एच का मान और आई का मान है। मतलब बिंदु एफ पर चुंबकन क्षेत्र का मान ओएफ है और चुंबकन तीव्रता का मान जीरो है। इस ओएफ हमारा क्या था, ओएफ किसके बराबर होता है, ओसी के, किसके, ओसी के। ओबी बराबर ओई था, ओएफ बराबर ओसी की है, इसे हम क्या बोलते थे, निग्रह बल क्षेत्र। और पदार्थ के उस गुण को क्या बोलते थे, निग्राहिता। ठीक, यदि हम फिर बढ़ाएं तो फिर वही होगा, मतलब जैसे जैसे एच का मान बढ़ाएंगे आई का मान बढ़ेगा और एक अधिकतम चुंबकन क्षेत्र की उपस्थिति में चुंबकन तीव्रता कैसी हो जाती है, संतृप्त हो जाती है, मतलब उसी प्रकार से। इस प्रकार हमने एक चक्र में किस, हमने कौन कौन से मार्ग, ए बी मार्ग, बी सी मार्ग, सी डी मार्ग, डी ई मार्ग और ई एफ मार्ग, एक सबसे ऊपर जब बताया था कौन सा मार्ग, ओ ए मार्ग, ओ ए मार्ग में बिंदु ए पर भी अधिकतम क्या संतृप्त चुंबकन तीव्रता थी, अधिकतम चुंबकन क्षेत्र था। इस प्रकार हमने एक चक्र पूरा किया, हमने एक चक्र में क्या क्या देखा वो देखना है। ठीक, हमने चुंबकन तथा बी चुंबकन का एक चक्र कौन सा किया, इधर से ए बी सी डी ई एफ ए, तो हमारा एक चक्र पूरा कौन सा है, एक चक्र ए बी सी डी ई एफ ए। ठीक, हमारा ये पूर्ण चक्र है। अब शैथिलता, पदार्थ में शैथिल गुण वास्तव में है क्या, है क्या। ठीक, हमने थोड़ा सा देखें, जब हमने ए बी मार्ग बताया था, हमने जे बताया था जो बिंदु बी पर था, बिंदु बी पर चुंबकन तीव्रता का मान कुछ रह जाता है लेकिन चुंबकन क्षेत्र का मान शून्य हो जाता है। ठीक, जब आई का मान चुंबकन क्षेत्र के शून्य होने पर भी कुछ शेष रह जाता है पदार्थ के, इसी गुण को हम कौन सा गुण बोलते हैं, शैथिल गुण बोलते हैं, क्या बोलते हैं, शैथिल गुण बोलते हैं। इस प्रकार हमने किसको जाना, आईएच कर्व को, शैथिलता को, हिस्टेरिस को, क्या आईएच कर्व से करना क्या था, कुछ नहीं करना था, आगे ओए कर्व के लिए निकालना, फिर ए बी, फिर बी सी, फिर सी डी, फिर डी, फिर ई एफ। इस प्रकार हमने एक पूर्ण चक्र प्राप्त कर लेते हैं। तो आईएच वक्र में हम अवशिष्ट चुंबकत्व और निग्रह बल क्षेत्र और निग्राहिता धारणशीलता का अध्ययन करते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। हाँ, यदि वास्तव में समझ में आया है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबाएं। आपसे मिलते हैं बहुत ही जल्द एक अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद।